हल्द्वानी बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। दरअसल व्यापार मंडल ने बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण फैला रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद आज हल्द्वानी कोतवाली और मंगल पड़ाव चौकी की ओर से व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वही बाजार क्षेत्र में पुलिस की ओर से अभियान चलाए जाने पर ठेला और फल लगाने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने बाजार में अतिक्रमण फैलाने वाले लोगों के चालान काटकर बाजार से फल और ठेले हटवाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत दी है। सर, आपने बाजार के हालात ऐसे हो गया अतिक्रमण को देखते हुए, ठेले और बाहर रोड पे जितना सामान लगा के व्यापारियों के आगे आगे अतिक्रमण जिला बाजार में आना कस्टमर का दुवर हो गया है, इस संबंध में लेके हम लोगों ने आज एसएससीटी साहब से मुलाकात की। यहाँ आज प्रांतीय उद्योग नगर व्यापार मंडल के सारे पदाधिकारी बाजार के अतिक्रमण को लेकर, बाजार में चोरी उचक्का को लेकर ठेले वालों के विरुद्ध आज एसपीसीटी साहब से मिलने आए थे। बाजार में चोरियाँ बहुत हो रही, रिक्शे और टेम्पो से माल उठ जा रहा है, छेड़ाछानी ज़्यादा हो रही है, बाजार में चलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं हो रही है। तो इस पर एसपी साहब से आज मिलने आए थे, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्द ही दूर करेंगे। आज व्यापार हमारे हल्द्वानी के व्यापार मंडल के काफ़ी लोग आए हुए थे और व्यापारी लोग थे, और उन्होंने अपने बाज़ार से संबंधित जो थोड़ी अव्यवस्था की स्थिति हो रही है उसके बारे में पुलिस को बताया कि वहाँ पर जो है हम ठीक से और पुलिस को तैनात करें, और जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, वहाँ पर जाम लगा रहे हैं या अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है या ठेले अनावश्यक जो चल रहे हैं, उन सब पे हम जो है मिल करके कुछ कार्रवाई करें। हर खबर में होगी हमारी नज़र, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।